তোমালকে গান শুনাইছে আছে না নাই আ এই কারণে কৰিছো ইয়ার ফেস্টিভেল গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির এই আগতে আসলে ইউনিভার্সিটি হয়েছিল এটা অসমৰ কলেজ বিলাকত দিছে ইয়ারপা গৈ নিশ্চয় আমার ইয়ারে পার্টিসিপেন্টে গৈ পেলাই গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির নিজের সফলতা দেখাব পাৰিব কালচারাল প্রোগ্রামস হো রে তো কালচারাল অর লিটারেচার কা প্রোগ্রামস হো রে তো কল সঙ্গীত কা বহুত সারা হো গিয়া আজ ভি হ্যায় আজ ড্রামা হ্যায় ফির ইনস্ট্রুমেন্টস কা প্রোগ্রাম হ্যায় Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Prince Blog. और मैं जा रहा हूँ आज गोलपुरा कॉलेज में क्योंकि वहाँ पे हो रहा है यूथ फेस्टिवल. तो ज्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए सीधा चलते हैं कॉलेज पे. कल ही शुरू हो गया था लेकिन मैं कल जा नहीं पाया तो आज जा रहा हूँ. और कल का कुछ शॉर्ट भी मैं इसमें ऐड कर लूंगा मैं अपने फ्रेंड से मांग के. तो बने रहिए वीडियो के साथ. तो अभी मैं पहुंच गया हूं गोलपुरा कॉलेज में. अंदर जाता हूं तो देख सकते हो आप लोग ये है हमारा गोलपुरा कॉलेज का मेन गेट जहां पे वो एनसीसी का कुछ लड़के खड़े हुए हैं. सब कॉलेज का वो जो फ्लैग है वो तो हमारा यूट्यूबर प्रिंस साजिद आ चुका है. मैं अभी आया थोड़ा लेट हो गया आने से. कल तो आ गया था मैं नहीं. कल अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया लेकिन आज अच्छे से बनाएंगे. मीनाज भाई भी साथ है. एक साथ वीडियो बनाएंगे और कल जो शॉर्ट में इससे लेके अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख पाओगे. कल का कुछ शॉर्ट में मीनाज भाई को दे दूंगा वो अपलोड कर देंगे. और ड्रोन शॉट लेना. हाँ हाँ जरूर ड्रोन शॉट भी सब कुछ. इसी का ड्रोन है मैं जो यूज करता हूँ अपने वीडियो में इससे मांग के लेता हूँ मैं. तो आगे बने रहिए जब स्टार्ट होता है हम लोग एक साथ शुरू करेंगे. तो ऑलरेडी हम लोग रेडी हो रहे हैं वीडियो के लिए. और ये भी यूट्यूबर है. अपना चैनल के बारे में बताओ. चैनल के मतलब कॉलेज में जितने सारे स्टूडेंट हैं सबके सब यूट्यूबर हैं. क्या बोलूँ मतलब सब लोग वीडियो कर रहे हैं. और हमारा साजिद प्रिंस साजिद एकदम पूरा फॉर्मल में आ गया रेडी हो रहे हैं. और इसका कैमरा वैमरा पूरा रेडी. हम लोग सिंपल बनते हैं. सिंपल आते हैं मोबाइल लेके थोड़ा बहुत वीडियो करते हैं. आप लोग प्यार देते हो प्यार मिलता है. नहीं देते हो नहीं मिलता है. तो आशा करते हैं प्यार देंगे इस वीडियो को और काफ़ी सारे व्यूज मिलेंगे. उसके अलावा सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और अंत तक आप लोग वीडियो देखेंगे यही मेरा आशा है. तो अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ. हम लोग रेडी हो गए ऑलरेडी. तो ये है हमारा गोलपुरा कॉलेज का मेन गेट जहाँ से एंट्री होगा. वो उस तरफ और एक गेट है जहाँ से एंट्री हो सकता है लेकिन यही मेन गेट है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है. एनसीसी के जो लड़के हैं वो लोग सुबह से यहाँ पे है. कहाँ पे पार्किंग करना है कहाँ पे बाइक रखना है सब कुछ ये लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं. तो बाकी अभी धीरे धीरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज का वो भी आ रहे हैं. और यहाँ पे हमारा साजिद भाई प्रिपेयर कर रहे हैं अपने वीडियो के लिए. पूरा रिहर्सल रिहर्सल लेके आए हैं. हमारा इतना ज़्यादा सेटअप तो नहीं है तो फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा हो क्वालिटी अच्छा हो. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मेडिसिन सेल भी है यहाँ पे. मतलब सब कुछ ज़रूरत की चीज़ है ऑलरेडी बना हुआ है. ইয়ার ফেস্টিভেল গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির এই আগতে আসলে ইউনিভার্সিটি হয়েছিল এটা অসমৰ কলেজ বিলাকত দিছে. আমার আজি গোয়ালপাড়ার যে যুব মহোৎসব হয়ে আছে এইটো পশ্চিম ওয়েস্ট জোন. ইয়াত বঙাইগাঁও আছে কোকরাঝার আছে ধুবুরী আছে দক্ষিণ হালমারা গোয়ালপাড়া এই জেলাবিলাক আছে. আর আমার প্রায় 25টা দলে ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করেছে. ইয়াতে
আর যুব মহোৎসবর এই এই যে যুব মহোৎসব এই বেসিক্যালি কালচারেল কথাবিলাক হয় বিভিন্ন ধরনের গান লোকগীত হোক বরগীত হোক জনজাতীয় সংগীত বা সুগম সংগীত আধুনিক গীত এইবিলাকৰ ওপৰত হয়। ঠিক তেনেকে নৃত্যবিলাক আছে জনজাতীয় নৃত্য বা আধুনিক হেৰি এই এইবিলাক আছে। আকৌ নাটকৰো বহুত কম্পিটিশ্যন আছে। গতিকে ৰাজ্যৰ খুব আগশাৰীৰ কিছুমান জাজ অলৰেডি আহিছে আৰু যোৱাকালি বহুত আদিলৈকে অনুষ্ঠান চলিছে। আজিও মই খুব উৎসাহ দেখিছোঁ মানুহবিলাকৰ মাজত খুব ভালকৈ হেৰি কৰিছে। কালি আমি এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছোঁ যোৱাকালি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মানুহ আহিছে উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে। আৰু আজিও অসমৰ মাননীয় গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী লগতে আমাৰ জিলাৰ ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া আহিব আৰু বস্তুটো খুব ভালকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থকাত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় খোৱা লোৱাত নাপায় আৰু লগতে যিটো স্পিৰিট যে আটাইতকৈ ভাল কামবিলাক তেওঁলোকৰ গান নাচ হেৰি এইবিলাক যদি ভালকৈ প্ৰকাশ পায় তাক আমি খুব ভালকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। থেংক ইউ ছাৰ। তো ছাৰে ইমান ইমান বিজি সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰণে অলপমান সময় ওলাইছে এইটো বাবে ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। থেংক ইউ। अभी अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल सर के साथ बात किया तो मेरा जो साथीदार साजिद भाई उसने बात किया तो इसलिए मैं सर से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं हिंदी में ब्लॉग बन रहा हूँ और ऐसा में इसमें और बार बार अगर अलग से पूछेंगे तो सर को गुस्सा आ जाएगा शायद क्योंकि सर बहुत बिजी है बहुत दिनों से इस काम के लिए। अगर ज़्यादा टाइम सर के पास नहीं था फिर भी हम लोगों को टाइम दिया उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमिशन अभी मिल गया है हम लोग अभी वीडियो बना सकते हैं कॉलेज में आके सर ने परमिशन दे दिया है हमको तो चलिए शुरू करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को परमिशन देने के लिए। आज अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे मतलब अंदर से कोई बुरा फील नहीं होगा आज ब्लॉग। हाँ हाँ अंदर से गर्व लगता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट से और यहाँ पे है हमारा यह बताओ कुछ क्या बताए बहुत गर्मी गर्मी है प्रोग्राम के बारे में कुछ बताओ कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और ये हमारा फेमस बप्पा दा है कॉलेज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनको नहीं पहचानते सब पहचानते हैं और सबसे फेमस यही है कॉलेज में फेमस लोग है कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉलेज में इन्हीं को आगे सब मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर है ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं बहुत ही बिजी है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ नहीं पूछेंगे। तो हम लोग अंदर जाएंगे जो मैम हमारे यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों से थोड़ा बात करने का ट्राई करेंगे तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैम यूथ फेस्टिवल की बैठा हो दिया किनको लगे से हमारे कॉलेज में इनके गोलपा कॉलेज में डांगा फेस्टिवल बैठा हुए से আমি তো গমে তোমালে সবাই গমে পাইছা আর ইমান ডাঙর এটা হয়েছে জোনাল এটা পশ্চিম মণ্ডলর ভাল এটা কালিলেকে তো ভালোই চলি আছে আজিও আশা করছো সব আহিব গুরুত্বপূর্ণ এটিালেকে উনৈশখন কলেজে পার্টিসিপেট করেছে আর বাকি আজি আহিয়ে আছে দুই চারিখন কলেজ আহিব এটিালেকে বাকি সব ব্যবস্থাপনা আমার মতে তো ভালেই আর আমার নিজের কলেজ হোস্ট কলেজ যাবি ম্যাম কেদিন চলিব এইটো কেদিন চলিব কালি হেতু ধন্যবাদ ম্যাম ধন্যবাদ ম্যাম ফেলে আমার বাকি ম্যাম ওদের আছে ধুনিয়া ম্যাম আমার বিউটিফুল ম্যাম এতে বসে আছে এইফালে। তো ম্যাম আপনি কিমান এক্সাইটেড এইটোর কারণে কিমান এক্সাইটেড আমি ইমান মানে ভাল লাগিছে বহুত মানে কলেজের আমার লোয়ার অসমৰ বহুত কলেজ আহিছে কলেজের যিসকল ইনচার্জ আহিছে সেই সকলত আমার পরিচয় ঘটিছে স্টুডেন্ট খিনিক দেখিছো তেওঁলোকে বহুত নিজকে সাজু করে ইয়াতে জয়েন করবলে আহিছে যুব মহোৎসব হিসাবে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির যে পার্টিসিপেন্ট তেওঁলোকে সেইটো নিজকে প্রস্তুত করে লৈ আহিছে খুব ভাল লাগিছে আর আমি মানে তেওঁলোকৰ কারণে যিখিনি কাম করে আছো ইয়াতে আমি একদম মহিলাখিনি কাম কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ আৰু তাতোকে আমি আমি বিভিন্ন মানে এই সমাগত সংগীতত আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ যোগ হৈছোঁ গান গাইছোঁ আৰু এই কামবিলাক কৰিও আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে থকা খোৱা যি বাহিৰৰ পৰা কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট প্লাছ ইনচাৰ্জ আহিছে তেওঁলোকক থকা খোৱাৰ ভাল একমডেশ্যন দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ভাল পাইছে বুলি কৈছে খোৱা আৰু ব্যৱস্থা বৰ ভাল হৈছে যিমানখিনি পাৰে আমাৰ কলেজে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আগতে গোলপা কলেজত হৈছিল
আগতে হোৱা নাই প্ৰথম হৈছে গতিকে আমি সাকসেস বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপালৰ সহযোগত বা আমাৰ গোটেই কলেজৰ আমাৰ কলিগৰ সহযোগত আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ আমি ভাবিছোঁ আমি মানে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ নিশ্চয় আমাৰ ইয়াৰে পাৰ্টিচিপেণ্টে গৈ পেলাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে নিজৰ সফলতা দেখুৱাব পাৰিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। इतना बिजी शेड्यूल में भी मैम ने हम लोगों को टाइम दिया है, उसके लिए मैम को धन्यवाद। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं वो जो मेडिकल सेल है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते बात करते हैं। तो हमारा सर के साथ मुलाकात हो गया है और ये हमारा सर बहुत इंटरेस्टिंग सर है और बहुत इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सर के साथ कुछ बात करेंगे। तो चलते हैं सर के पास, सर के साथ कुछ बात करेंगे। सर बोलिए इस फेस्टिवल के बारे में कुछ। देखिए ये फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय का जो फेस्टिवल है जो पश्चिम मंडल का ग्वालपारा महाविद्यालय में इस बार अनुष्ठित हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। इस अनुष्ठान में लगभग 25 कॉलेज योगदान किया है, योगदान के बाद सारे कंपटीशन में इन लोग कम्पीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी पूरा तैयार है, जॉब एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन हर कोर्स में सुंदर चल रहा है, नृत्य गीत इत्यादि सारा समारोह सुंदर चल रहा है। आज मिनिस्टर भी आ रहा है, हमारे गार्जियन मिनिस्टर अशोक सिंघल भी आज हम लोग का संबोधन करेंगे। तो इस साल हम लोग ग्वालपारा कॉलेज के लिए खूब खास कवरेज है, खूब अच्छा लग रहा है, मतलब खूब अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और सर कल खत्म हो जाएगा शायद, कल खत्म हो जाएगा, हमको दुख लग जाएगा। इतना सुंदर अनुष्ठान, ऐसा लगता है दिल को कि और एक सप्ताह चलने से अच्छा ही होता। तो ये फेस्टिवल सर पहले भी ग्वालपारा कॉलेज में हुआ था? पहले कभी ग्वालपारा कॉलेज में नहीं हुआ, इस साल ग्वालपारा कॉलेज में हो रहा है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात है ग्वालपारा कॉलेज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, ग्वालपारा संस्कृति के भी। थैंक यू सर इतने बिजी शेड्यूल में टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी वो शॉर्ट के बीच में मेरा एक फोन आ गया था, इसलिए वो शॉर्ट कंटिन्यू नहीं किया मैं। तो बाकी दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं क्या उन लोगों की राय में क्या है। शायद दूसरा कॉलेज है, ग्वालपारा कॉलेज नहीं है ये। बात करने के लिए ट्राई करेंगे, पहले इनसे पूछते हैं तुम कौन से कॉलेज से हो? दुधने कॉलेज से। कल आए हो? आज आए हो। कैसा लग रहा है आके? अच्छा ही। पहले यूथ फेस्टिवल में कहीं कोई कॉलेज में गई थी? फर्स्ट टाइम है। एक्साइटेड हो शायद, तुम बताओ कुछ। हाही तो गम पा गई, एक्साइटेड एक्साइटेड हो शायद बहुत। अच्छा स्ट्रीम क्या है तुम्हारा? आर्ट। फिफ्थ सेम? थर्ड सेम। सब लोग दुबने कॉलेज से हो आप लोग? आप लोग तो शायद एक्साइटेड हो, सुबह आ गए आप लोग 9 बजे शायद। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, और हम लोग को टाइम देने के लिए थैंक यू। ये अंदर है हावड़ा घाट कॉलेज के स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करने के लिए ट्राई करते हैं। साजिद भाई इस तरफ जा रहे हैं, तो एक साथ नहीं यहाँ से बात करते हैं। आप लोग कौन से कॉलेज से हो? अच्छा आप लोग यहाँ पे कल आए हो या आज? आज आए हो। पहले कभी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए थे कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है शायद। एक्साइटेड हो इसके लिए? बहुत। सुबह कितने बजे? तो साजिद भाई यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं उस साइड जाता हूँ बॉयज की तरफ, नहीं तो हिंदी और एसएमएस मिक्स हो जाएगा। तो एक कुछ हथियार है शायद, ट्रेडिशनल है कुछ डांस के लिए? बाकी आप लोग गेटअप देख सकते, इतना सुंदर लगा है ये ड्रेस। पर्सनली मैं बताऊं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे है बॉयज लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ड्रेस दिखने में। तुम लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो? शायद बात करने में थोड़ा हिचक रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हूँ मैं कॉलेज का जो हॉल है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोग्राम होता है कॉलेज का, वहाँ के पास हूँ, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखते हैं क्या हो रहा है अंदर, जाके पूछते हैं, बात करते हैं और आप लोगों को दिखाने का ट्राई करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन होगा शायद, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। सर से पूछने का ट्राई करते हैं।
सर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होगा अभी? बोला था सुनो यार, पेट टू है, पेट पेट आज दूसरा दिन है, पहला तो कल हो गया। आज हमारा ये रूम में है सर, इसके लिए तो म्यूजिक कंपटीशन है। म्यूजिक कंपटीशन कल हो गया, 50% आज है, आज चलेगा सारा दिन चलेगा सर। थैंक यू सर, इतना बिजी शेड्यूल में टाइम देने के लिए। यहाँ पे सर है, सर बिजी है काम पे, मैम है, इस बारे में मैं मैम से थोड़ा बात करना चाहूँगा। मैम कुछ बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। क्या बताना है आपको? मतलब यूथ फेस्टिवल क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कॉलेज में, पहले तो हुआ नहीं है, तो क्या क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है, कल से कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहा है। अच्छा, तो कल्चरल और लिटरेचर का प्रोग्राम्स हो रहा है। तो कल संगीत का बहुत सारा हो गया, आज भी है, आज ड्रामा है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स का प्रोग्राम है, डांस है, बहुत कुछ है। मैम कितना दिन चलेगा ये प्रोग्राम? कल खत्म हो जाएगा। पहले गलपुरा कॉलेज में ये हुआ था क्या? जहाँ तक हमें पता है नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम है मैम। थैंक यू मैम टाइम देने के लिए, और आप बहुत सुंदर लग रही हो। लोगों का अभी दिखाने वाला हूँ, सामने है यहाँ पे खाने पीने का जगह क्या हुआ है। यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका अरेंजमेंट किया हुआ है, और यहाँ पे शायद इन लोगों का रहने का जगह का बंदोबस्त किया हुआ है। और उस तरफ मैंने देखा लाइब्रेरी में भी है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो शायद थोड़ा बहुत कि स्टूडेंट जो लोग बाहर के कॉलेज से आए हैं उन लोगों का रहने का जगह इस तरफ किया हुआ है। चलिए थोड़ा बात करने का ट्राई करते हैं। सामने है कुछ स्टूडेंट, पूछते हैं कहाँ से आए हैं और कब से है। तुम लोग कहाँ से हो? हम लोग धुबरी से हैं। धुबरी से? विकास कॉलेज। अच्छा, कब आए हो तुम लोग? हम लोग परसों आए हैं, शाम को। यहाँ पे रहे हो, खाने पीने का कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं है, सब ठीक है। ए यूथ फेस्टिवल फर्स्ट टाइम है क्या, पहले भी मिला था कहीं पे? हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोग के साथ मजा, प्रोग्राम हो रहा है। गोलपुरा कॉलेज में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, थोड़ी देर बाद हमारा डांस का प्रोग्राम है, हम डांस करने के लिए जाएंगे मंच पर। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नाम बोनश्री दे है। बोनश्री, और तुम्हारा? साधिका सुल्ताया। तुम्हारा? नमस्कार, अपर्णा रॉय। अपर्णा रॉय, और तुम्हारा? दरिशा पाठक। नमस्कार, मेरा नाम बिजली है। थैंक यू टाइम देने के लिए, थैंक यू। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे खाना पीना हो रहा है, उसके अब पहले आप लोग ये देख लीजिए बैनर को अच्छी तरह से। पहले यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे खाना बन रहा है ऑलरेडी, और सर लोग ऐसे कर रहे हैं। की कोई सा वीडियो है सर? सर बहुत बिजी है, इतना गर्मी में सर यहाँ पे रह के काम कर रहा है। सर को सल्यूट है, और सर भी है। একদম বঢ়িয়া লাগে একদম সুন্দর কষ্ট হয়েছে কিন্তু কষ্টত আমি আর ইমান গুরুত্ব দিয়া না, আমার যেটা আনন্দও লাগিছে, গতিকে আনন্দ কষ্টত আমি অনুভৱে কৰা নাই। এনেকুৱা এটা মহোৎসৱ আমি আজি কিমান মানে কলেজ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আমি পাতিব পৰা নাছিলো, এইবাৰ পাতি গল্পা কলেজততো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে, আৰু আমি যিটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তাতকৈ যথেষ্ট ভাল হৈছে। আমাৰ আশা করার ধরনকে আমি যথেষ্ট ভাল ধরনে আমি মানে এরেঞ্জও করেছো, আর আপ্যায়নের ক্ষেত্রতো আমার খাওয়া লওয়ার ক্ষেত্রতো আরো সুন্দর হয়েছে, আমার আর পার্টিসিপেন্টেরও পার্টিসিপেশন ভালো হয়েছে। 25 কলেজ আছে, কলেজ আছে, আর এটা ঠিক যে যদিও কিছু ক্ষেত্রে বিজুতি নোহোৱা নহয়, বিজুতি অল্প ঘটিব, ইমান ডাঙর একটা অল্প চলপ পুরা তো গণ্ডগোল থাকিব, গতিকে সেই আমি ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু আমি কেনেকৈ আমি আমার কামবোৰ আমি কেনেকৈ উপলম্ব কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি ছেটিছফাই কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ব্যৱহাৰে হওক, আমাৰ খাদ্যৰ দ্বাৰাই হওক, বা আমাৰ ইভেণ্টৰ যিটো মেনেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ
ষ্টুডেণ্টখিনিক বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি কেনেকৈ মানে আমাৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আমি দিব পাৰোঁ আমি সেইটোৰ কাৰণে যৎপৰণ চেষ্টা কৰি আছোঁ। সৰ্বতভাৱে উন্নতি কামনা কৰিছোঁ, আমাৰ কলেজখন যাতে সুন্দৰ হওক আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ডাঙৰ হওক, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত যাতে যায় সেইটো কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ছেম আশা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ইমান টাইম দিয়াৰ কাৰণে আমাক। और देखिए आप लोग यहाँ पे इतना गर्मी में सर रह के ये लोग खाना का साथ में रह के वो खाना बनाने के लिए को क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मछली हो रहा है, वहाँ पे शायद कुछ, वहाँ पे राइस, वहाँ पे सब्जी, पूरा 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 इंतज़ाम किया हुआ है ताकि कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ नहीं हो। यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट खाना खा सकते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए जगह किया हुआ है। ऑलरेडी सुबह शायद ब्रेकफास्ट करके गए हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग दूसरे कॉलेज से स्टूडेंट के साथ बात कर रहे थे, अभी हम लोग अपने कॉलेज के तो अभी साजिद भाई इनसे बात करेंगे। तो मैं इस तरफ जाता हूँ, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। तुम वॉलेंटियर हो, कुछ तकलीफ हो रहा है क्या मेंटेन करने में? अभी जस्ट दिया है। तो थोड़ा इस तरफ आओ क्योंकि साजिद भाई बात कर रहे हैं तो मिक्सअप होता है वॉइस। तो कल से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, अगले कल तक ही रहेगा शायद। कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है गोलपुर कॉलेज में पता चला है, एक्साइटेड हो? और दूसरे कॉलेज से स्टूडेंट लोग आए हैं, मिलके भी अच्छा लग रहा है शायद। तो बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों के लिए। तो मैं अभी सुहाना आजमीरी से बात करूंगा, इस तरह आओ फोकस अच्छा आएगा। तो सुहाना आजमीरी का भी एक चैनल है, शायद उसने ब्लॉग नहीं बनाया है। बताओ कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो? फील हो रहा है, मतलब क्या कहूँ, तो बहुत सी कॉलेज से स्टूडेंट आए हैं। हाँ हाँ वो तो है। तो वॉलेंटियर के पोस्ट में हो तो? हाँ अभी न्यू बिल्डिंग में ड्यूटी। हाँ खाना पीना सब तो यहाँ पे जो दूसरे कॉलेज से आए उन लोगों का तो कॉलेज से ही होता है प्रोवाइड। हमारी कॉलेज से प्रोवाइड होती है। हाँ वो तो कुछ गोलपुर कॉलेज की तरफ से हो रहा है। आज गोलपुर कॉलेज सर ने बोला मेरे। अच्छा अच्छा गोलपुर कॉलेज की तरफ से ही हो रही है सब। अच्छा तो बाकी कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, क्या कहूँ मतलब। तो मैं अभी यहाँ पे हमारा बॉयज हॉस्टल का लड़कों के साथ बात करेंगे, वो भी वॉलेंटियर है। तो कैसा फील कर रहे हो आज? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैं तुमको कल भी देखा हूँ कि बहुत बिजी थे तुम, बहुत काम कर रहे थे। हाँ। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ, कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा होगा कि मेमोरेबल टाइम होगा कॉलेज में। तुम भी आ जाओ सामने। ये जो यूथ फेस्टिवल होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे कल रैली चला गया, बहुत लोग को ये सब के बारे में पता ही नहीं चलता कि हम लोगों के समाज में हम कितने सारे एक साथ मिलकर रह रहे ये था। तो ये सबसे बहुत मतलब हम लोग बहुत सारे को दिखा सकते हैं कि ये हमारे समाज में हिंदू भाई लोग, मुस्लिम, हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं इधर। अच्छा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ये लोगों के लिए भी अच्छा होता है। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया सब ये रहते हुए भी ये सब भूल चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। तो यूथ फेस्टिवल का ये भी एक भरम बहुत बहुत अच्छा। हाँ और ये सब लोग आज कॉलेज में एक साथ है, सब दोस्त लोग भी, अच्छा लग रहा है बहुत। और बाकी जब मेरे अच्छा बाकी एक बात बताओ, तुम वॉलेंटियर हो तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारे काम का जिम्मेदारी भी होगा शायद। होगा। तो सुबह कितने बजे कॉलेज में आए हो तुम? मैं नहीं, पहले ग्रुप बना के रखे हम लोगों का, अभी बुलाया। वो मतलब ड्यूटी मतलब डिवाइड करके दिया है। अच्छा अच्छा, रात को कितने बजे तक होता है प्रोग्राम? कल शायद 10-11 बजे तक हो चुका है। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को भी। तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आशा करता हूँ ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी एक बार बताए कि हाँ गोलपुरा कॉलेज ने कुछ किया है, काम का किया है। अच्छा लगा हम लोगों को भी, वो बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक्स स्टूडेंट है तो मिलकर अच्छा लगा, टाइम देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में। अभी बात किया है कुछ स्टूडेंट के साथ, बहुत अच्छा लगा है, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है और आज वीडियो करके लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। हाँ। अगर 5 रेटिंग हो तो 5 ही मिलेगा। प्लीज आप लोग वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, हमारे गोलपुर कॉलेज को दिखाओ। और कहीं पे अगर कुछ भूल चूक होता है कमेंट करके जनाओ, हम लोग ठीक कर लेंगे। हम लोग नए बंदे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। तो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है शायद, तो इसका फुटेज थोड़ा लेने की ट्राई करता हूँ, परमिशन ले लेते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा है शायद, आर्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे
आर्ट कर रहे हैं, तो देख सकते हो सब कॉलेज का स्टूडेंट यहाँ पे आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आर्ट कर रहा है। तो हम लोग इनको बात करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो खाली वीडियो करेंगे नॉर्मली। अच्छा लगा है आके आज वीडियो करके। तो यहाँ पे जजेस है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, तो हम बाहर ही जाएंगे अभी हम लोग। अभी एनसीसी के स्टूडेंट के साथ बात करेंगे जो एनसीसी में। भाई अंदर चलो, बाहर बहुत धूप है। तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम, नमस्ते, मेरा नाम मुक्तिनूर मोहम्मद है। शायद तुम एनसीसी से हो? एनसीसी हूँ मैं। देख के ही पता चल रहा है तुम्हारा स्ट्रक्चर, देख के पता चल रहा है कि एनसीसी करते हो। मैं तो एनसीसी में हूँ ना। अच्छा, मैं अभी तक हम लोग घूम के पूरा फेस्टिवल के बारे में ज्यादातर बातें हम लोग पूछ लिया, तो तुमसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग एनसीसी में हो तो तुम लोगों का जो काम है, दायित्व है, वो थोड़ा ज्यादा है दूसरे स्टूडेंट से। बहुत बहुत ज्यादा है। तो सुबह से क्या क्या किया है अभी तक? अभी तक सुबह से हम लोग तो 7 बजे सब कैडेट आए, सुबह 7 बजे जाते, फिर सारे गेट में पहरा लगाना है, फिर रूम पे, फिर एनबी रूम पे, गैस होस्टल की तरफ सब जगह पे पार्किंग में एनसीसी कैडेट। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग ये सब तो समझ गए कि खाना पीना रहना पीना सब हो गया। सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, मतलब जो लड़की है दूसरे कॉलेज का, इन लोगों के सेफ्टी के लिए क्या किया है? इन लोगों की सेफ्टी के लिए रूम के सामने रहना है। अच्छा, सबको सेफ्टी देना है। बाहर की कॉलेज से आया है तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में उनको बहुत सेफ्टी देना है, मतलब 100% सेफ्टी है। बहुत 100% सेफ्टी है। वही पे पूछ रहा था। बाकी यहाँ पे हम लोग का कुछ स्टूडेंट है जो लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, म्यूजिक के लिए सेटअप है पूरा। कौन है? ये लोग अपना सेटअप कर रहे हैं। तो बाकी पीछे देखो, अभी से स्टूडेंट का भीड़, मतलब क्राउड, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा। देख पा रहे हो एनसीसी के जो बंदे, जो स्टूडेंट्स है, वो सब यहाँ पे सख्त निगरानी कर रहे हैं, किसी को यहाँ से जाने नहीं दे रहे, क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए मुझे जाने दे रहे हैं, परमिशन लिया हुआ मेरा। तो यहाँ से एंट्रेंस होगा सर का, उसके बाद यहाँ से सीधा स्टेज तक एनसीसी के जो स्टूडेंट्स है वो लोग ने घेरा किया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट स्टेज तक पहुँच जाएंगे सर, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी वीडियो के साथ बने रहिए। और हम लोगों का ड्रोन शॉट भी हो रहा है, साजिद ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत ढूंढने के बाद गोलपारा कॉलेज का जीएस मिला है, ये बहुत बिजी है अभी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो थोड़ा बताओ फेस्टिवल के बारे में, मुझे पता चला कि गोलपारा कॉलेज में फर्स्ट टाइम हुआ ये फेस्टिवल, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ सीएस हूँ, उसी कॉलेज में आज पहली बार के लिए यूथ फेस्टिवल हो रहा है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन आज पहली बार आंखों के सामने हो रहा है, खुद के हाथों से हो रहा है, खुद मेहनत करके लाया हूँ यार। सब लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सीनियर दादा लोग, सिस्टर लोग, हमारे कॉलेज की हर एक ग्रुप, हमारे कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, हर एक प्रोफेसर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, डिसिप्लिन भी अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है। जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तुम्हारा गला भी बैठ गया और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, तो तुमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि तुम बिजी हो, मुझे पता है। तो थैंक यू टाइम देने के लिए, बाद में मिलते हैं। ब्लॉग बनाते बनाते थक गए, इसलिए हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। तो बहुत भूख लगा है, कुछ खा के जाते हैं अभी। मैं तो पूरा दिन खा नहीं पाएंगे कुछ भी, थोड़ा सा मौका मिले इसलिए खाने के लिए आ गए हम लोग।
तो हम लोग खाने के लिए गए थे तो शायद हम लोग लेट हो गए तो और ऑलरेडी सर आ चुके हैं। আর আমার গোয়ালপাড়া জেলার অভিভাবক মন্ত্রী শ্রীযুত অশোক সিংহাল ডাঙরিয়া তেখেত আমার মুখ্য অতিথি তেখেতক আদরি আনিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। মই আমাৰ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত অশোক সিংহল ডাঙরিয়াক সম্বর্ধনা জানাবলৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ডক্টৰ রোডি ফারহিম মই গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের তরফের পড়া এখন ইয়াতে এনসিসি কা সারে স্টুডেন্ট একসাথে তো একবার আপলোক চেহারা দেখলো এ গোয়ালপাড়া কা হে तो मैं कमांडो से कुछ बात करना चाहूंगा। तो कल से तुम मेहनत कर रहे हो देख रहा हूँ मैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है ये सब काम करने में? मतलब ये तो हमारा मतलब ड्यूटी है। अच्छा, कॉलेज का प्रोग्राम है इसलिए नहीं, जहाँ भी हमें आदेश मिलेगा हमें मेहनत करना ही पड़ेगा, ये हमारा काम ही है, हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्स्ट ड्यूटी, मतलब हम थकते नहीं कभी, हमेशा काम पे रहते हैं। अच्छा लगा बात करके, एक बार तो अपना टीम का जोश दिखाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लॉन्ग लाइफ एनसीसी, लॉन्ग लाइफ एनसीसी, लॉन्ग लाइफ एनसीसी। थैंक यू कमांडो, अच्छा लगा टाइम देने के लिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे घूमते घूमते आए हैं और आशिकुल हमको दिख गया है अभी। हेलो आशिकुल, आशिकुल कुछ बताओ। क्या बताएं हम, सुबह आए हो अभी अभी आए हो, कल आए थे क्या? नहीं, एक बजे आया। कैसा लग रहा है गोलपरा कॉलेज में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कुछ परफॉर्म करोगे? नहीं इस बार तो नहीं। आप लोग क्राउड देख सकते हो यहाँ पे, इतना ज्यादा क्राउड है। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আনে কে লিয়ে।
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और इतना दूर तक अगर देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटा बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। अभी आप लोग ड्रोन शॉट का मज़े लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।